मेरे बड़ा पोता भी
भी भगवान हरि और देने वाला देवता भी भगवान हरि। तो जब वो राजी हो गए तो पितृ दोष खत्म हो गया, तो पितरों के लिए दोनों हाथ उठे बिल्कुल सीधे। जो सिल्ली सिल्ली आती है बाबा कोई हम हिंदुओं ने, हम सिखों ने 600 सालों तक मुगलों की गुलामी करी, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करी। मुगल चाहते थे हम सब मुस्लिम हो जाए, अंग्रेज चाहते थे हम सब क्रिश्चियन हो जाए। हमारे पूर्वजों ने गुलामी सही, गरीबी सही, शहर छोड़ा, गली छोड़ी, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा साथ। और अगर उसका उसका उदाहरण चाहते फतेहगढ़ साहब का किला, वो फतेहगढ़ साहब जहाँ छोटे शहजादे दीवार में चुना दिए गए मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमारे बच्चों के लिए दोनों हाथ उठे, बाबा साहब के लिए दोनों हाथ उठे और ताली बजा के कह देना जय हो पितर देवा जन्म तेरी सेवा। हमारे भगवान, हमारे पितृ, सरंद के का क्या बात है, भगत सिंगा, भगत सिंह। एक बारी पाजी सब लोग दिखा दो, एक बारी ताली बजे भगत सिंह वास्ते, क्या बात है यार। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, तू मेरे बिच जिंदा, तू मेरे बिच जिंदा, पंजाब बिच जिंदा, पंजाब बिच जिंदा, भारत दे बिच भी जिंदा, भारत दे बिच भी जिंदा। ये लोग आते हैं ना, किसी में शाम जी आदर में, किसी में राम जी आदर में, किसी में माता जी आ जाती है। अरे तुम्हें भगत सिंह क्यों नहीं आता, मुझे ये नहीं समझ आती। चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आता, खड़े वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं साथ, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं। भगत सिंह ही नहीं, सड़क पे खड़े फौजियों के लिए, पंजाब पुलिस के लिए दोनों हाथ उठे और ताली बजा के पंजाब के लिए भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। किस किस को चढ़ी उसके नाम की कुमारी, कुमारी तेरे नाम की ਮਿਲੂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਪਕਾਵਨ ਰਬਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਬਾ।
तू गण की गल करते जे नहीं मिलना ना फिर नी गण थोड़े मिले जय हो जय हो जय हो जी और मौलवी के लाल की।
और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पाए पारिवारिक मनाने। जब आदमी के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास आए, बोले माँ मैं भी सिर्फ भाग लेना चाहता हूँ। माँ को लगा कन्हैया की सेना तो पर्वों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जाए। पहला वचन इसके आने से ही युद्ध हिल गया है, मुझे लगता है ये खड़ा होगा और हम युद्ध हार जाएंगे। बोलिए बर्बरीक महाराज की जय। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर कि बर्बरीक कहाँ जाते हो। बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मरने जाता है। बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा इतना बड़ा युद्ध है, तू लड़ेगा कैसे, इतने बड़े बड़े योद्धा है, तू जीतेगा कैसे। बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में तीन बाण है, आदेश करो एक ही चलाऊंगा, पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। बोले बर्बरीक महाराज की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी बड़ी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिष्ठा पे बाण और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते बिखरे। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, क्योंकि कन्हैया ने वचन दिया था कुंती को कि तेरे पांच पुत्रों की रक्षा करूंगा। देखना चाहते थे क्या बर्बरीक से पांडवों की रक्षा कर सकता हूं। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले प्रभु मैं माँ को वचन लेकर आया हूं। हरे का तू है
आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मण के रूप में कौन है? सावरा। कौन है? कन्हैया, कंसी बजैया, द्वारिकाधीश छलिया। किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, दोनों बुआ के बच्चे थे कौरव और पांडव, किसी का नहीं हुआ। बोले परवरी ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा, अगर तू पांडवों के पास हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों के पास गया तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे तो युद्ध करने नहीं निकलेगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, मेरी आवाज और बढ़ा देना, कोई बाहर भी घर में सो रहा हो तो उसका भी बेड़ा पार देना। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चल, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं तीन महाबलियों में किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का या अर्जुन का। परवरी तुम्हारा, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है, तो परवरी इस समय मात्र तुम हो जिसके शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। परवरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। परवरीक ने हाथ जोड़ दिए और तलवार निकाली, बोले लो प्रभु शीश का दान दिया जाएगा। ये परवरीक वचन देता है, लेकिन शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, और प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा कृष्णा कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बरबरीक बोले योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और कहा है बरबरीक, जब तक युद्ध चलेगा निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारा यह शीश सिरमौर हिमाचल, युद्ध कहा हुआ कुरुक्षेत्र, शीश का दान कहा हुआ हरियाणा, और शीश रखा कहा गया सिरमौर हिमाचल चूरधार पर्वत के ऊपर, वहां से पूरा युद्ध देखा गया, अंत में पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास, चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडव गए, भाई मेरी फोटो आए ना आए, मेरी बात आपके कानों तक जा रही है ना, सच बता रहा हूँ बेड़ा यहाँ भी पार हो, नीचे थोड़ा बेड़ा यहाँ नीचे थोड़ा इधर। पांडव गए कन्हैया के पास, बोले कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने? कन्हैया बोला कैसी बातें करते हो, मैंने कुछ नहीं देखा, रथ चला रहा था, और रथ सीधा कैसे चलता अगर मैं दाएं बाएं देखता तो,
पांडवों ने हाथ जोड़ दिया, हाले ये मिस कर रहे हैं, प्रभु बता दो। कन्हैया बोले एक है जो इसका निर्णय कर सकता है। बोले कौन? बोला एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम भी पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, दोनों हाथ उठा लो, बलबरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। चले उस शीश के पास, अभी तक बस शाम नहीं बने हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या नाम? ऐ हारे के सहारे, ऐ लीले के असमार, हे तीन बाण धारी, हे मार्गी के लाल, हे शीश के दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवो किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया था, और कुछ नहीं दिखा। प्रेमियों जब हम खुश होते हैं ना, तो पता नहीं सामने वाले को क्या दे देते हैं कि आ भी रख ला, चल चल आ भी रख ले। भगवान कृष्ण भी कितने खुश हो गए बर्बरीक की बात सुनकर कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, जिस शीश को महाभारत युद्ध देखने के लिए अमृत पिलाया था, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमृता का वरदान देता हूं। जैसे ही कलयुग का प्रारंभ होगा, तुम्हारे इस शीश में मेरी सारी कलाएं आ जाएंगी और तुम मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हें खाटू का श्याम कहा जाएगा। वरदान सुनना। दूसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनोगे। जाओ तुम्हारे दरबार में जो भी तुम्हारी कथा सुन लेगा और अर्जी लगा के चला जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी और तुम्हारे का सहारा करना है। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता का वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करेगी। जाओ तुम्हारे दरबार में जो भी कुछ मांग के चला जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, ये कन्हैया बता देता है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, सुन लेना, ये कलयुग के अवतार नहीं है, पूरा कलयुग इनके नाम है। क्या समझे? कलयुग के अवतार नहीं है। जैसे हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, ऐसे ही खाटू वाले श्याम पूरा कलयुग इनके नाम है। साहब पूरा कलयुग वरदान मिला कि मैं तो वृंदावन में रहूंगा, राधा के साथ रहूंगा, वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो राधा ने पूछा कि कन्हैया कलयुग में इनको जिनको धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये तो वृंदावन आएंगे तो प्रेम देके भेज देगा इन्हें, प्रेम से पेट थोड़ी ना भरेगा। बोला चिंता मत करो, उसका इंतजाम किया है, अगर शाम पुकारोगे तो ये वृंदावन वाला नहीं खाटू वाला शाम सुनेगा। हाथ उठा के बोला, अरे